सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे धमकी देना कितना बड़ा अपराध है और इसके अंतर्गत कितना सजा का प्रावधान किया गया है और कौन कौन सा सेक्शन लगता है। इसी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यदि आपको कोई व्यक्ति देख लेने का धमकी देता है तो यह भी अपराध का कैटेगरी में आएगा और धमकी देने वाला व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी का सेक्शन 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना अपराध है। यदि आरोपी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक का सजा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है तो ऐसे में धमकी देने वाला व्यक्ति को 2 साल तक का सजा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने का धमकी देता है या आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है या किसी महिला के चरित्र पर किसी तरह का लाछंग लगाने का धमकी देता है तो ऐसे में यदि अपराधी दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक का सजा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का धमकी देता है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक के सजा का प्रावधान है तो ऐसे परिस्थिति में धमकी देने वाला व्यक्ति को आईपीसी का सेक्शन 506 के तहत 7 साल तक का सजा हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 26 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम जौहर वर्सेज अब उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सिर्फ गंदी गाली देना धमकी नहीं माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या फिर उसके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो आईपीसी का सेक्शन 506 के तहत उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या आधारहीन आरोप लगाता है या आलोचना करता है, साथ ही उसके बारे में गलत धारणा समाज में पेश करता है जिससे संबंधित व्यक्ति का समाज में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है, तब संबंधित व्यक्ति कोर्ट में अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार और अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आईपीसी का सेक्शन 500 के तहत मानहानि का मुकदमा कर सकता है। मानहानि क्या है और मानहानि का केस फाइल करने का क्या प्रोसेस है, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपको इधर आई वाले बटन में मिल जाएगा। आप जैसे आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का लिस्ट नीचे आएगा, उसमें आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।